Hey there. First of all, I would like to thank you all. Itna acha mere ko response mila aap sab logo se. Rather, first video ke baad mein mujhe lag raha tha ki yaar kya response rahega, but it was too good. Thank you all. Thank you all. Aur kuch main pichli video se jo kuch comments aaye hain unke bare mein pehle main baat karna chahunga. कुछ कमेंट्स हैं फ्रॉम डॉक्टर बुशरा भार. सो सिंपली एक्सप्लेन यूजेस ऑफ थूजा विद केस सिनेरियो, वेरी ब्यूटीफुली डिफरेंशिएटेड इट्स यूजेस फ्रॉम अदर ड्रग्स इन पेशेंट्स विद ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स. थैंक यू. एक और कमेंट है डॉक्टर कार्तिक मित्तल का. हाय सर, आई एम अ डॉक्टर इन दिल्ली. रियली लाइक दिस वीडियो. आई वॉन्ट टू हेल्प अस अ जनरल प्रैक्टिशनर इन एलोपैथिक मेडिसिन टू ingrained concepts of homeopathy to be the partners in holistic care of the patient as a whole. I do love you. You should. Please prescribe us doctors some books and knowledge also to make the patient care better. So nice of you. Aur sir, ye thuja kya hota hai? I don't know, sir. Okay. abhi main Kartik, just मैं अभी बताता हूँ थूजा क्या होता है. एंड स्मृति चौधरी इज विद द थम्स अप एंड ऑसम वीडियो. थैंक यू. सनी करणवाल, गुड विद द थम्स अप. यू लाइक दिस. थैंक यू सनी. नाउ कार्तिक, अगर आपसे बात करें, थूजा इज टू ऑक्सीडेंटलिस. लाइक होम्योपैथी में अगर हम बात करें कि जो भी नेचुरली मिलने वाली चीज़ें हैं, बहुत कम केमिकल्स का हमने देखेंगे. ज़्यादातर चीज़ें मिली हैं होम्योपैथी जिनसे बनी है, वो नेचुरली अगर हमने देखा जो हमारे को मिलती हैं, लाइक हर्ब्स, श्रब्स, प्लांट्स, इन सब से हमने लिया. और मतलब एनिमल्स, उनके पार्ट्स, उनके क्या क्या, लाइक फिश से और स्नेक्स से, बहुत सारी चीज़ों से इस तरीके से बनाया गया. लाइक इन आयुर्वेदा ऑल्सो हमने देखा कि आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारी हर्ब्स को लेके उनका ट्रीटमेंट किया गया, शोधन किया जाता है. और आयुर्वेदा के अंदर जैसे सल्फर का भी लिया जाता है कि सल्फर को लिया जाता है, उसका शोधन किया जाता है. ठीक है, मरकरी का भी आयुर्वेदा में बहुत यूज़ है. लाइक होम्योपैथी के अंदर भी मरकरी भी लिया जा रहा है, सल्फर भी लिया जा रहा है. थूजा ऑक्सीडेंटलिस इस ऑर्नामेंटल ट्री, रादर आई शुड से नॉट अ प्लांट, बड़ा ऑर्नामेंटल ट्री है. आपको ज़्यादातर स्कूल्स में मिल जाएगा. यू गूगल इट, यू विल फाइंड एंड यू विल रिकॉल इट. एक्चुअल में क्या है कि इनके जो क्रूड फॉर्म है उसको नहीं इस्तेमाल करते हैं, इनको पोटेंटाइज किया जाता है होम्योपैथी में. और इनके जो क्रूड फॉर्म में, एक्चुअल में होम्योपैथी में क्या होता है कि जैसे इट्स लाइक आयुर्वेदा ऑल्सो, कि हम क्रूड फॉर्म में सल्फर नहीं दे सकते, हम क्रूड फॉर्म में गोल्ड को नहीं दे सकते. स्वर्ण को वो भस्म बना के दिया जाता है, स्वर्ण भस्म, उसको सहस्त्र पुट दिए जाते हैं जिसके बाद में उसका वो भस्म तैयार होता है. दैट इज अनदर प्रोसेस. सिमिलरली होम्योपैथी के अंदर भी इसको पोटेंटाइज किया जाता है, उसको क्रूड फॉर्म में नहीं दिया जाता. और होम्योपैथी के अंदर एक चीज़ हो जाती है कि आप अगर देखें कि अगर हम किसी चीज़ को क्रूड फॉर्म में खा लें तो उससे जो जो सिम्टम्स निकल के आते हैं क्रूड फॉर्म के, वो सिम्टम्स को, वो अगर वैसे सिम्टम्स, पर्टिकुलरली याद रखिएगा, वैसे सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट को हैं तो वो ड्रग जो पोटेंटाइज हमने करी है उस ड्रग से उन सब सिम्टम्स के अंदर उसको रिलीफ मिलता है. ठीक है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में चला जाऊंगा अगर आप कहेंगे तो कार्तिक, और मैं आपको पूरा एक होम्योपैथी में किस तरीके से ड्रग्स बनाई जाती हैं, किस तरीके से उन्हें पोटेंटाइज किया जाता है, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, अलग अलग जैसे कैसे उसके बनाने का प्रोसेस है, मैं और किस तरीके से कौन से ड्रग का क्या रोल है, मैं आपको वो भी बता दूंगा. बट अभी आप एक मान के चलें कि ये थूजा ऑक्सीडेंटलिस जो है बेसिकली एक प्लांट है, एक ट्री है, ऑर्नामेंटल ट्री है,
और इससे बनाई हुई मेडिसिन को हम थूजा बोल रहे हैं, थूजा ऑक्सीडेंटलिस भी बोलते हैं। और इसकी पोटेंटाइज हम कर रहे होते हैं कि हमने इसको 30 potency में दिया है, 200 में दिया है, 1 ml में दिया है, दैट डिपेंड्स। ठीक है, चलिए अभी आज इतना रखते हैं। एंड थैंक यू ऑल फॉर लाइकिंग माई वीडियो, थैंक यू ऑल। आज हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट इज ऐसा मेडिसन जो एक एलोपैथिक के क्लिनिक पे भी होना चाहिए, जो एक एलोपैथिक डॉक्टर है उसके क्लिनिक पे भी होना चाहिए। और होम्योपैथिक वाले तो रखते ही हैं ऑब्वियसली, उनके पास में तो रहेगा, बड़ा कॉमनली यूज्ड है हमारे यहां पे उसका। लेकिन एक ऐसा मेडिसिन जो घर पे भी जरूरी है, एक कॉमन पर्सन को भी, वो मैं मान के चलता हूं कि उसके घर पे होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी अभी हमने पिछली बार बोला था, मैंने आप अगर पिछले वीडियोस में आप देखेंगे तो उस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि कोई ड्रग स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कुछ ड्रग्स हैं जो कि स्पेसिफिक भी हैं, जिनके अंदर हमारे को सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बड़े प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं, इसके ऊपर उसको एकदम दिया जाता है और वो बड़ी तेजी से काम करते हैं। फास्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं और बहुत तेज सिम्टम्स हैं। और एक चीज और मैं अगर आपसे बताऊं कि होम्योपैथी के अंदर अगर कोई विश्वास नहीं रखते हैं तो डॉक्टर हेरिंग का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, उनको कोट कर देता हूं उनकी चीज को, कि डॉक्टर हेरिंग ने इसके लिए, मैं अभी इसको बाद में बताऊंगा कि डॉक्टर हेरिंग ने क्या कहा था और उसको कोट कैसे किया था, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट इट, अभी थोड़ी सी देर में बताता हूं मैं डॉक्टर हेरिंग वाला कोट जो है। उन्होंने बेसिकली जो हम बात करने जा रहे हैं कि वो मेडिसिन जो कि जो सबसे कॉमनली हमारे घर के अंदर हमारे को इंसिडेंट या एक्सीडेंट जिनको हम बात करेंगे वो हो जाते हैं, वो है जलने का। और जलने के अंदर अगर हम देखें डेली कोई ना कोई कुछ ना कुछ किसी ना किसी घर पे क्या हो रहा है कि घर पे महिला है और कभी भी उनका हाथ कुकर पे लग गया, तवे के ऊपर लग गया, या जल गए रसोई के अंदर, किचन में काम करते हुए जल गए, बच्चे ने गलती से भाग के मोटरसाइकिल का या स्कूटर का साइलेंसर को छू लिया, जलने का बहुत छोटे 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 इंसिडेंट्स हैं जो कि बड़े कॉमनली होते हैं हमारे यहाँ पे, वो ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, नॉर्मली हो जाते हैं, ठीक है ना, और बड़े कॉमन है। और उस टाइम पे वो उस टाइम पे बड़ा प्रॉब्लम इस चीज का रहता है कि अब क्या करें, एकदम लेके बच्चे को भागें, एकदम लेके हाथ जल गया, क्या करें, ठीक है। तो सबसे प्राइमरी फेज पे अगर आपको जो ट्रीटमेंट करना है, ऑब्वियसली यू शुड गो टू द डॉक्टर, ऑब्वियसली एट दैट स्टेज यू शुड गो टू द डॉक्टर, बट मैं ये मान के चलता हूं कि उस डॉक्टर के पास में भी, जिसके पास आप लेके जा रहे हैं, उसके पास ये मेडिसिन जरूर होना चाहिए। और ये मस्ट है आपके पास में ये होना ही चाहिए। अब वो मेडिसिन क्या है, मेडिसिन है कैंथारिस, ठीक है। कैंथारिस को एलोपैथी वाले भी बहुत यूज करते हैं क्रूड फॉर्म के अंदर, एलोपैथी में भी बहुत ज्यादा यूज हुआ है। लाइक ये एक्चुअल में क्या है कि ये अगर हम क्रूड फॉर्म में स्किन पे लगा दें तो ये जला देता है वहां से स्किन को, इरिटेंट की तरह काम करता है। और ये बालों को उगाने में भी बहुत ज्यादा ऑयल्स वगैरह में डालता है, कैंथराइडिन एंड ऑल, पता नहीं कौन कौन से ऑयल हैं जिसके अंदर ये डलता है, ठीक है। इट्स एन इरिटेंट, बहुत जलन कर देगा एकदम। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा पोटेंटाइज्ड कैंथारिस की, जो कि होम्योपैथी में इस्तेमाल होता है। और लिटरली अब मैं कोट करता हूं डॉक्टर हेरिंग की कोट को, हेरिंग की बात को, उन्होंने क्या कोट किया था कि इफ एनीबडी वॉन्ट्स प्रूफ कि होम्योपैथी इफेक्टिव है या नहीं है, इफ यू वॉन्ट टू सी द इफेक्टिवनेस, तो वो एक काम करें, वो पहले किसी साफ पानी को, साफ यूटेंसिल में, किसी बर्तन में साफ पानी लेके उसके अंदर कैंथारिस मदर टिंचर के कुछ ड्रॉप्स डाल के उसको पानी को रख ले। ओके, आई विल टेल यू कि आप एक कटोरी पानी का ले ले, उसके अंदर आप 5 ml कैंथारिस मदर टिंचर को डाल के रख ले। और उसके बाद में अगेन कोट डॉक्टर हेरिंग्स वर्डिंग्स, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि आप उस पानी के अंदर उसको तैयार करके रख लें, उसके बाद अपना उंगलियां जला लें, अपना हाथ जला लें, और हाथ जलाने के बाद में जब आपको लगे कि आपका हाथ, आप जलते ही आपको पता चल जाएगा कि बहुत अच्छा जल गया, आप उस हाथ को कैंथारिस वाले पानी में डाल दें, एंड विद इन 2 minutes वो जलन खत्म हो जाएगी और छाले भी नहीं पड़ेंगे, एंड यू विल फाइंड 100% रिलीफ इन इट।
इससे आपको पता चल जाएगा व्हाट होम्योपैथी इज, अनकोट। अब मैं डॉक्टर हैरिंग की बात को मानता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को यही राय दूंगा कि आप अपने हाथ में जला लीजिएगा जस्ट टू प्रूव कि होम्योपैथी। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आपके यहां पे कोई इंसिडेंट हो, लेकिन हम प्रिकॉशनरी हम बोलते हैं कि कैंथेरिस आपके घर में दोनों पोटेंसीज में होने चाहिए, मदर टिंचर में भी, और 30 पोटेंसी एटलीस्ट होना चाहिए, जिससे कि पास में आप जैसे ही अगर ऊपर वाला ना करे कि आपके घर में कुछ ऐसा हो जाए या कहीं पर भी आप हो वहां पर ऐसा कुछ हो जाए, किचन में तो एटलीस्ट होना ही होना रखा जाना चाहिए एक, कि उसके अंदर आप अगर हाथ जला तो इंस्टेंटली आप उस पर कैंथेरिस उसके ऊपर डाल दें, मदर टिंचर, और वो जलन को खत्म कर दे। अभी मैंने एक चीज आपसे और बोला था कि ये डॉक्टर्स के क्लिनिक पे भी होना चाहिए, क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल वो वाला जो सपोज आपके पास में एक ट्रॉमा में आपके पास में एक पेशेंट आया कि उसके हाथ जल गया है या उसका हो गया, तो उसके ऊपर आप इंस्टेंटली कैंथेरिस को डाल सकते हैं एंड यू विल फाइंड द इफेक्टिवनेस विद इन अ मिनट और टू, ठीक है। लेकिन दूसरा अगर हम बात करें कि पेशेंट आया आपके पास में और उसको उसके यूथरा में बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है, वो इतना मतलब पेशाब की नली के अंदर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, नो मैटर ही इज मेल और फीमेल, आई डोंट, इसके अंदर हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, बिल्कुल हर एक के लिए दोनों के लिए इफेक्टिवली उतना ही काम करता है। अगर पेशाब की नली में जलन है, यूरेथ्रा में जलन है और कटने वाला जलन, जिसको बोलते हैं कि स्पाज्म आ रहे हैं, मरोड़ आ रही है, ठीक है, कटने वाला जलन हो रहा है, वहां पे एट दैट स्टेज आपके पास में क्या ऑप्शन बचता है? और सबसे पहली चीज जो एलोपैथी वाले बात करेंगे कि वो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन बताएंगे कि मतलब रीजन होता है उसके पीछे, दैट इज कि वो उसके पीछे इंफेक्शन है कहीं ना कहीं, और उस इंफेक्शन का उस इंफेक्शन के लिए दे यूज टू प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स, और ड्रग ऑफ चॉइस रह जाता है कभी क्यूनोलॉन्स में रह जाता है, या फिर आपके पास में ड्रग ऑफ चॉइस आ जाता है कि सिफिलोस्पोरिंस में आ जाता है, ठीक है, आप सिफिलोस्पोरिंस दे देंगे, क्यूनोलॉन्स दे देंगे एंड एंटीस्पास्मोटिक दे देंगे एंड एनकलाइजर, एनकलाइजर मीन्स लाइक डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट आपने दे दिया, अल्कासोल, और आप जो है दूसरा एक आपके पास में आता है फिनाजोपायरिडिन, या अगला एक आ जाता है फिनाजोपायरिडिन, दैट इज C11H11N5, या इफ आई एम राइट, फिनाजोपायरिडिन को भी अगर हम बात करें कि फिनाजोपायरिडिन आपने दिया, तो फिनाजोपायरिडिन या आपने डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट आपने दिया, तो बेसिकली ये क्या, तो आप एल्कलाइजर दे रहे हैं वो जलन को कम करने के लिए, या फिर फिनाजोपायरिडिन आप दे रहे हैं, उसमें फिनाजोपायरिडिन के अंदर भी आपके पास में एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर इट्स अ लोकल एनाल्जेसिक और ये 65% के करीब ही 65% ये एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से, इसका मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, 30-35% के करीब ही मेटाबोलाइज हो पाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पेशाब जो है वो बिल्कुल ऑरेंज कलर का, रेड कलर का आएगा, पेशेंट भी डर जाएगा। सेकेंडली दूसरा एक चीज़ हो जाता है कि ये अगर गलती से उसने दांत में तोड़ दिया तो स्टेन कर देगा दांतों को। तीसरा क्या आ जाता है कि ये आप लैक्टेटिंग मदर को नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, लीवर के प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसके साइड इफेक्ट्स में आ जाता है कि लीवर की जिसको प्रॉब्लम चल रही है उसको साथ में नहीं दे सकते, इवन पुराना भी अगर उसको लीवर का कुछ हुआ है प्रॉब्लम तो वहाँ पे भी आप नहीं दे सकते, साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। ज़्यादा रिसर्च भी इसके ऊपर अभी नहीं हुई है, बहुत बहुत रेयरली यूज मेडिसिन है, ज़्यादातर अल्कासोल वगैरह ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास में एक एक एक, एक प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है कि फिनाजोपायरिडिन जो है बेसिकली मजबूरी हो जाती है कि और इसके अलावा क्या दें, इफ आई एम नॉट राइट प्लीज बता दीजिएगा कि और क्या हो सकता है, और हो सकता है मैं एलोपैथी के बारे में कुछ और आप बताना चाहें और अपने अपने व्यूज बताना चाहें तो प्लीज बता दीजिएगा। तो वहां पे जहां पे अभी हम वापस आ जाते हैं, जहां पे पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द था, पेशेंट को कटने वाला दर्द हो रहा था, पेशाब के से पहले भी, पेशाब के दौरान भी और पेशाब के बाद में भी,
मतलब यूरिनेशन से पहले भी उसको दर्द महसूस हो रहा है, यूरिनेशन के दौरान भी उसको दर्द हो रहा है, और यूरिनेशन के बाद में भी वो कटिंग पेन है, इवन थ्रॉम्बिंग भी है। मतलब आपको उस पेशेंट जो है दर्द से चीख रहा है, उस टाइम पे आपके पास में ऑप्शन क्या आ जाता है? क्योंकि अगर आपने ये मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करी है उसको, तो दैट विल गोना टेक एटलीस्ट एन आवर। अभी एक घंटा लग जाएगा उसको रिलीफ आने में, तो आप क्या देंगे? सेडेटिव किसी तरह? कहां आपने रोल क्या आया? बेसिकली आप कभी ट्राई करके दीजिएगा, देखिएगा, कैंथेरिस 30 चार बूंदे उसके मुंह में डाल दीजिए, और आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे कि चार बूंदे डालने के बाद में सीधा कैंथेरिस 30 के उसके मुंह में चार बूंदे आपने डाली, और मैं आई एश्योर यू जब तक आप उसकी बॉटल को वहां पे अपने टेबल पे रखेंगे तब तक पेशेंट कहेगा कि आई एम रिलीव्ड। दिस इज व्हाट होम्योपैथी इज। इससे पता चलेगा होम्योपैथी कितना इफेक्टिव है। आप कहेंगे इतना फास्ट इंजेक्शन से भी नहीं आ सकता, सबलिंगवली आ रहा है। इफेक्ट कहां से आ रहा है? जीप पे डाला है सबलिंगवली, इसको इफेक्ट इस तरीके से दिखाई देगा। लोग तमाकू खाते हैं, च्यूइंग करते हैं, टबैको च्यूइंग में वो कुछ भी अंदर नहीं लेके जाते, मुंह में रखते हैं, दे जस्ट स्पिट इट आउट, तो भी दे गेट द इफेक्ट ऑफ द टबैको जस्ट बिकॉज सबलिंगवली उसको इफेक्ट मिल रहा है। सीधा हम सीधा ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, इंजेक्शन से ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब सबलिंगवली आपने उसको डाल दिया। आइसोसॉर्बिट्रेट आप देते हैं, सबलिंगवली बोलते हैं रखने के लिए मुंह में, उसको खाने के लिए नहीं बोला जाता पेशेंट को। हम उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं अभी, ठीक है। अब दूसरा चीज अगर हमारे पास में क्या है, जलन के लिए तो हमने बात करी है कि जलन कोई सी भी जलन हो रही हो जो बेनतहा ज्यादा जल रहा है स्किन पे, म्यूकस लेयर पे, चाहे वो हम बात करें कि ऊपर स्किन के ऊपर बात आ रही है, और चाहे उसके अंदर इंटरनली हम बात करें कि म्यूकोसा पे उसकी प्रॉब्लम हो रही है, उसको जलन हो रही है, दोनों पे उतना ही इफेक्टिव है, जस्ट हैव अ बिट ऑफ ट्राई। दूसरा, आप बोलते हैं कि अगर इससे कुछ नुकसान, आई एश्योर यू होम्योपैथी से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यही तो सबसे बड़ा खूबी है कि आपसे बताया था कि अगर ड्रग उसके लिए उसे काम नहीं करेगी, उसे इफेक्टिव नहीं होगी, तो एटलीस्ट उसको नुकसान नहीं दे रही होगी, उसे खाने के बाद में कोई नुकसान नहीं होगा। और इफेक्टिवनेस देखने के लिए आप कैंथेरिस एक बार इस्तेमाल करें, गो फॉर इट, जस्ट बाय इट एंड जस्ट सी द रिजल्ट्स। आपको पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव है होम्योपैथी। होम्योपैथी के ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए। जो बहुत सारे मिथ बनाए हुए हैं कि होम्योपैथी इज प्लेसिबो इफेक्ट इज देयर, व्हाट द पर्सन यूज्ड टू, ओके ठीक है प्लेसिबो इफेक्ट है, तो वाई एनिमल्स में क्यों इफेक्टिव दिख रहा है? क्यों दे रहे हैं सीपिया इनको, बफेलोस को भी, काउस को, बफेलोस को सीपिया देने के बाद में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के अंदर, सीपिया में आएंगे अभी हम, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के अंदर सीपिया इफेक्टिव है गाय भैंसों में, एंड द वेटरनेरियंस आर यूजिंग इट क्वाइट ऑफनली इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, द प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस दे यूज टू प्रिस्क्राइब सीपिया, और उस भैंस को पता चल गया कि मेरे को प्लेसिबो इफेक्ट आ गया, भैंस को पता चल गया कि मेरे मुंह में उसने कुछ दवाई डाली है। यार बहुत होशियार है ना वो, बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, इट हैज गॉट इफेक्ट। और इसीलिए वीडियोस भी बनाने की कोशिश करी थी कि यार ये मिथ दूर हो जाए कि प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, या ये केवल एक ऐसे ही हो रहा है कि इसको खाने, नहीं है। आई एश्योर यू बहुत बहुत स्ट्रांग मेडिसिन है, और शायद धीरे धीरे करके जिस तरीके से हम लोग मुड़ रहे हैं कि एग्जैक्ट में होम्योपैथी इज बेटर ट्रीटमेंट। आई एम नॉट अफेंडिंग एलोपैथी ऑल्सो, मजबूरी है, मैं भी जब मानता हूँ उस चीज को कि एलोपैथी में आप, ऐसा नहीं है कि आप उस पैथी को ही आप नकार रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग इट। एलोपैथी का अपना एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन उस मकाम को देने के लिए, उस मकाम तक पहुंचे हैं आप सब लोग, और हमें इतना मत गिराइए कि बिल्कुल ही ये कह दें कि इसमें कुछ है नहीं। अब ट्राई तो कीजिए, एक बार कोशिश करके देखिए। मैंने कैंथेरिस बोला ना, आप एक बार कैंथेरिस देके देखिए। हमें हर पैथी का पता होना चाहिए कौन किस तरीके से, और ऐसा नहीं है कि ये कोई, मैं नीम हकीम वाली बात कर रहा हूं ना, आप नीट क्लियर करके आपको होम्योपैथी का भी एक चांस मिलता है कि आप MBBS कर रहे हैं, आप BDS में हैं, BMS में हैं, BHMS में हैं, या BUMS में हैं, दैट इज उसमें BHMS है, दैट मीन्स इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड पैथी,
अब एक बार इसको ट्राई तो कीजिए, मिथ मत डेवलप कीजिए इसके लिए। आई एम वेरी सॉरी, मैंने इसको ज्यादा लंबा खींच दिया। अगर हम और बात करें, बस एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कैंथेरिस के बारे में, कि कैंथेरिस में जो पेशेंट है, कई बार आप उसको मेंटल अगस्ट का स्टेटस देखें जो बहुत बहुत पुराना खींचा हुआ आ रहा है और ये जलन उसकी ठीक नहीं हो रही, और वो कई बार पेशेंट बहुत, उसका मेंटल स्टेटस भी कई बार वो ही स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए ल्यूनेटिक, ठीक है, वो पागल वाली सी बातें, मतलब आप बात करें कि वो मतलब ही टॉकिंग, यू फाइंड इट, यू फाइंड हिम और हर टॉकिंग अबाउट सेक्स वेरी बोल्डली, rather sometimes you find him singing a song, a vulgar talks he is making, gandi baatein karta hua milega aapko, aapko sexually wo ajeeb ajeeb si tarike se baat kar raha hoga, wo mental stage pe bhi kai baar kya hota hai ki that is just because of ki wo uska brain tak wo itna effect aa chuka hai, to main kahunga ki us time pe aap go for cantharis agar peshab mein jalan ho. ek aur incident mein batana chahunga aapko, डॉक्टर नैश का था, उनके पास में एक पेशेंट आया था कि वो पेशेंट को खांसी थी, ब्रोंकाइटिस थी बेसिकली, काफी लंबा ट्रीटमेंट हो चुका था, जो स्पूटम बलगम जो आ रहा था वो बहुत तार वाला और बहुत चिपचिपा था, और काली बाइक्रोम उसके लिए उन्होंने सोचा था और उसको प्रिस्क्राइब भी किया था, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं आया. देन शी टोल्ड हिम कि उनके पेशाब में भी जलन है और बहुत कटिंग पेन है, बहुत जलने वाला है पेशाब, बहुत पेशाब करते हुए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उनको. ये सोचते ही, ये सुनते ही उन्होंने उसको कैंथेरिस दिया. कैंथेरिस देने के बाद में यू विल नॉट बिलीव कि ब्रोंकाइटिस ठीक हो गया. तो वही वाली बात कि कोई मेडिसिन कोई स्पेसिफिक नहीं है किसी भी बीमारी के लिए, सिम्टम्स के ऊपर है और उसी हिसाब से वो बॉडी को इफेक्टिवली, उसके बॉडी को काम करवाती है, उसकी बॉडी से वो काम करवाती है, ठीक है. लेकिन ब्रोंकाइटिस को कैंथेरिस से ठीक करने का जो इंसिडेंट है वो डॉक्टर नैश की बुक में मिलता है. और दूसरा, डॉक्टर हैरिंग ने इतनी बड़ी बात बोली कि आप उंगलियां जला के, हाथ जला के आप कैंथेरिस में डाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा होम्योपैथी का है. तो उनका, उनको इतना विश्वास था, और मैंने खुद देखा है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, कैंथेरिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. अगर जल गया है या उसको यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है जिसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा कटिंग और थ्रम्बिंग पेन हो रहा है, ट्राई इट वंस. सो मैं इसको, वीडियो पिछला वाला बहुत लंबा हो गया था, मैं कोशिश करके इसको बहुत छोटा बनाने की कोशिश करी है. सो आई एम कॉलिंग इट अ डे एंड बाय फॉर नाउ, एंड थैंक यू अगेन फॉर लाइकिंग माई वीडियोज. थैंक यू. और अगर आपको लगता है कि वीडियो वर्थ है तो इसे आम पब्लिक में भी आप शेयर करें प्लीज़, इसको बताएं लोगों को, एटलीस्ट उन लोगों को हेल्प होगा. जितने लोगों के घर पे पहुंच जाएगा उतने सब लोगों को, अगर उन्होंने कैंथेरिस ले लिया, रख लिया और कहीं पे किसी जले हुए पे के ऊपर उसको लगा लिया, या किसी कीड़े ने काट लिया, काटने के बाद में उस पर जलन है बहुत ज़्यादा, तो आप कैंथेरिस लगा सकते हैं जलने वाली जगह पे जहाँ पे जलन हो रही है. कैंथेरिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. बहुत ज़्यादा जलन, कैंथेरिस सबसे पहले आना चाहिए दिमाग में. और यही चीज़ अगर ये आम पब्लिक के पास में पहुँचती है तो हो सकता है डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट को उस स्टेज से उस स्टेज तक, वहाँ तक, उन तक पहुँचने में उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ में हो, वो वाली प्रॉब्लम ना हो. किसी दूसरे की पेन को अगर हम कम कर सकते हैं इसे शेयर करके, तो मेरे को लगता है यू शुड शेयर इट. और लाइक कीजिए, एंड थैंक यू ऑल. थैंक यू.